नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बुधवार का दिन, भारतीय बाजारों के अंदर जो बिकवाली है वो थोड़ी एक्सटेंड हुई है और दिन के निचले स्तरों पर इंडेक्स अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 18,074 ये निचला स्तर मान लीजिए, 18,070 के आसपास के लोज है और हाई से करीब 170 अंक नीचे इंडेक्स आ चुका है। डे लो पर एग्जैक्टली निफ्टी अभी कामकाज करते हुए। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडेक्स में बिकवाली है। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.25% नीचे, 31,491 के जोन में, 31,500 के आसपास के लेवल्स अभी है, 31,491 कर लो तो ऑलमोस्ट डे लो पर ये भी कामकाज कर रहा है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 9713 ये लोज है और 9718 के आसपास भी ट्रेड करता है तो ये भी ऑलमोस्ट डे लो पर। पूरा बाजार सो फार दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहा है। 355 अंक नीचे निफ्टी बैंक अभी ट्रेड करता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली बड़ी है, इसीलिए तीन डिजिट में आपको दिखाई पड़ेंगे एडवांसेस और चार डिजिट में दिखाई पड़ेंगे डिक्लाइंस, यानी कि 2100 शेयर ऐसे हैं जो कि गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं और 700-750 शेयर जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। जो पिछले 5 दिन से तेजी का रेशियो बना हुआ था वो आज उलट हुआ है और हर एक शेयर तेजी के सामने, करीब करीब 3 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 1154 शेयर बीएससी में तेजी में और करीब करीब दुगने 2245 शेयर बिकवाली में। और फ्यूचर मार्केट्स में भी आज बिकवाली का दौर ज्यादा है, 29 शेयर तेजी में और करीब 173-174 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्रूशियल ट्रिगर्स अवेटेड जिसमें एक्सपायरी है कल और साथ ही साथ आगे आपको अर्निंग सीजन शुरुआत भी सोमवार से दिखाई पड़ी जाएगी, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको बाजार बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है। प्रेशर आज है आईटी में, प्रेशर है बैंक्स में, फार्मा आज रिस्पाइट में है, सीमेंट में प्राइस हाइक का ट्रिगर और सिलेक्टिव बैंक्स जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं। एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालिया साहब हमारे साथ मौजूद भी हैं। आज हम राजेश जी से बातचीत करेंगे और उनसे समझेंगे कि मार्केट्स को लेकर रणनीति क्या रखनी चाहिए, क्या यहां से पुल बैक एक्सपेक्ट करें या फिर 18,000 भी जाएगा, और साथ ही साथ उनके इंडिविजुअल कॉल्स और सस्ते ऑप्शन के ऊपर भी हम उनसे बातचीत करेंगे। राजेश जी से बातचीत करने से पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा तमाम नंबर्स जिनको आप देख सकते हैं। 18,000 का जोन मेजर जोन है जहां पर पुट राइटिंग सबसे ज्यादा आपको दिखाई पड़ेगी, 18,200 18,100 के जोन्स के अंदर पुट राइटर्स अनवाइंड करके गए हैं 18,200 की सिचुएशंस को, लेकिन कॉल राइटिंग हैवी हो रही है 18,100 के आसपास और 18,000 के जोन से भी कॉल राइटर्स अब बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सो फार 18,000 और 17,900 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन आप मान के चल सकते हैं। 43,000 निफ्टी बैंक के लिए क्रूशियल है, 43,000 42,800 वो जोन है जहां पर आपको पुट राइटर्स सबसे ज्यादा दिखाई पड़ेंगे, ऊपर 43,200 43,300 के जोन के अंदर आपको कॉल राइटिंग मेजरली होते हुए दिखाई पड़ेगी, लेकिन नीचे 43,100 43,000 के जोन के अंदर पुट राइटर्स सो फार एक्टिव है। हीट मैप की सिचुएशन अभी के लिहाज से तो आपको बियरिश ही दिखाई पड़ेगी, करीब करीब 170 शेयर 172 शेयर ऐसे हैं जो कि प्रेशर में कामकाज कर रहे हैं और रफली 29-30 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो 10 में लॉन्ग्स हैं, 11 में शॉर्ट कवरिंग है, 87 में शॉर्ट्स हैं और अनवाइंडिंग है करीब करीब 85 शेयरों में, यानी कि ऑलमोस्ट 170-172 शेयरों में बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो आपको, आपके परिवार, पूरी टीम को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे आज हम पहली बार इस शो में मिल रहे हैं साल में और साथ ही साथ पिछली बार जब मिले थे तो 18,200 18,500 की बातचीत हो रही थी, इस बार ये मिले तो 18,000 के जोन्स के आसपास है, क्या करें इंडेक्स में? गुड आफ्टरनून सुमित जी, धन्यवाद। आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सीएमबीसी परिवार को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए मार्केट में एक रेंज बाउंड ही दायरा यहाँ पे बना हुआ 18,000 से लेकर 18,250, हमें लगता है कि ये रेंज अभी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी कुछ और समय के लिए, क्योंकि अगर हम देखें डेटा सेटअप तो जो कल के सेशन में हमने देखा था कि 18,200 पे कॉल राइटर थे, 18,300 पे कॉल राइटर थे, वहां पे कहीं भी अनवाइंडिंग एक्टिविटी नहीं बनी थी, जबकि मार्केट ने 18,200 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे उसके ऊपर भी बंद किया था, तो वो दिख रहा था कि यहाँ पे सप्लाई जरूर रहेगा हायर साइड पे। बट आज के सेशन में जो इंटरेस्टिंग हुआ है कि जो पुट राइटर्स ने अपना बेस हायर शिफ्ट किया था, 18,100 18,200 तक भी अपने पुट राइटिंग पोजीशंस थी, वहां पे आज अनवाइंडिंग का ट्रेड बना है, तो ये जरूर दिख रहा है कि पुट राइटर वापस अपना पोजीशन जो बेस बनाया था उसको नीचे खिसकाते हुए दिख रहे, तो हमें लगता है कि यहाँ पे 18,000 एक इमीडिएट लेवल है जो की काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आज और कल के सेशन के लिए, एटलीस्ट फॉर दिस वीकली एक्सपायरी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस तरीके के सेटअप बने हुए 18,000 के आसपास सपोर्ट जरूर बनना चाहिए मार्केट का। अब इस ट्रेड को प्ले कैसे करें अगर, क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे 18,000 पे एक सपोर्ट लेके मार्केट वापस पुल बैक देना चाहिए, तो इस ट्रेड को प्ले करने के लिए हम यहाँ पे सजेस्ट करेंगे कि 18,100 का जो कॉल ऑप्शन है वो अभी करीब चल रहा है 59 रुपीज के आसपास, अगर ये आपको 40 से 45 रुपए की रेंज में मिलता है ये कॉल ऑप्शन 18,100 का, तो वहां पे बाय करने की सलाह, मतलब ऑलमोस्ट इस कॉल के प्राइस में अगर 10-12 रुपए की गिरावट आती है उसके बाद इसको बाय करें,
स्टॉप लॉस रखे करीब 20 रुपए के आसपास इस ऑप्शन का, और अपसाइड में हमें लगता है कि 18,000 के आसपास से सपोर्ट करके वापस पुल बैक बनेगा और 18,150 तक एटलीस्ट मार्केट अटेम्प्ट करते हुए दिखेगा। तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट उस समय हमें लगता है कि आना चाहिए करीब 80 रुपए से 90 रुपए तक के अपसाइड आते हुए दिखेगी। तो करंट मार्केट प्राइस पे नहीं खरीदना, 40 से 45 की रेंज में खरीदना, 20 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 80 से 90 रुपए तक के टारगेट होगा 18,100 कॉल ऑप्शन। 18,100 की कॉल 5 जनवरी की आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे 97-98 के जोन्स में देख रहे हैं, यहां नहीं 40 से 45 रुपए के आसपास ये आए तो वहां पर आप खरीदारी करें, तब आपका स्टॉप लॉस रहेगा करीब 20 का और तब आपके टारगेट्स रहेंगे 80 से 90 के। तो उस हिसाब से आप 18,100 की कॉल के अंदर पोजीशन ले सकते हैं अभी नहीं, नीचे आने पर। राजेश जी मान रहे हैं 18,000 के आसपास सपोर्ट लेगा निफ्टी और शायद उसके बाद 18,150 के आसपास के जोन्स दिखा देगा। राजेश जी, निफ्टी बैंक आज सीवियर डैमेज में है, यहां पर भी प्रेशर काफी ज्यादा है, यहां क्या रणनीति रखें? करीब करीब 1% का डिक्लाइन है, पुल बैक आएगा क्या 42,800 के जोन से? डेफिनेटली देखिए आउट परफॉर्मेंस तो था बैंक निफ्टी में, लेकिन आज के सेशन में बैंक निफ्टी ही एक जो कि निफ्टी को नीचे खिसकाते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट टेकिंग बनी है बैंकिंग स्टॉक्स में वो फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। आज जो इम्पोर्टेंट लेवल था 43,300 का वो भी ब्रेकडाउन हुआ है, तो 42,700 के आसपास सपोर्ट है, वहां तक हमें लगता है कि ये फॉल या ये करेक्शन कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। बट ओवरऑल बैंक निफ्टी के सेटअप पॉजिटिव है, तो हमें लगता है कि 42,800 के आसपास बैंक निफ्टी आती है तो वहां पे बाय इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस छोटे ही होंगे उस समय आपके 42,650 के आसपास, और पुल बैक में 43,300 और 43,500, ये दो टारगेट हमें लगता है कि आते हुए दिख सकते हैं पुल बैक में। बट थोड़ा अगर 100 पॉइंट के आसपास और यहां से कट मिलता है 100-150 पॉइंट का, तो बैंक निफ्टी में इनिशिएट किया जा सकता है ट्रेड 42,800 के नजदीक, बाय करें 42,650 का स्टॉप लॉस रखें। 42,800 के नजदीक आप खरीदारी करें, 42,650 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें, पुल बैक को आप तेजी के लिए बेचने के लिए मतलब लोअर लेवल पर बाय करके आप ऊपर के लेवल पर बेच सकते हैं, लेकिन 42,800 के इर्द गिर्द खरीदारी करें वो ज्यादा बेटर रहेगा। इंडिविजुअल कॉल्स राजेश जी, कहां पर तेजी कहां मंदी क्या करना चाहिए? तो मंदी और तेजी दोनों के ही ट्रेंड है आज। तो पहला स्टॉक जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर से है और एचडीएफसी लाइफ, इसको बाय करना। स्टॉक में काफी अच्छे मोमेंटम बने हैं, स्टॉक में हायर साइड से जरूर थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आज वापस बना है, लेकिन अगर इसको ओवरऑल देखें तो पिछले 5 वीक का जो एक गिरावट था उसको पूरा रिवर्स करते हुए दिख रहा है करंट वीक में। हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने एचडीएफसी लाइफ में, यहाँ पे 600 के ऊपर अगर ये सस्टेन रहेगा तो नेक्स्ट टारगेट इसका 620-625 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है 585 के आसपास स्टॉप लॉस और 630 के टारगेट। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो फर्टिलाइजर स्पेस है, जीएनएफसी पे हमारा नजर है। जीएनएफसी में देखे तो जो करेक्शन था वो कहीं ना कहीं रिवर्स होते हुए दिख रहा है, वीकली सेटअप पे देखे तो एक रिवर्सल बना है, सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही, तो जीएनएफसी और हमें लगता है फर्टिलाइजर स्पेस में भी एक अच्छा रुझान है बाइंग का, जीएनएफसी बाय किया जा सकता है। यहाँ पे अपसाइड का टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 600 रुपए तक, 600 से 610 तक आते हुए दिख सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे करीब 566 के आसपास। तीसरा स्टॉक है वो शॉर्ट साइड का, उसमें मेटल स्पेस पे हमें लगता है फर्दर प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है, उसमें जेएसडब्ल्यू स्टील पे हम यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह देंगे। स्टॉक में एक अच्छी तेजी के बाद अब यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला, पिछले 3 सेशन से देखे तो हायर साइड पे एक सप्लाई था और आज एक 3 दिन की रेंज का ब्रेकडाउन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जेएसडब्ल्यू स्टील में ये करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है और अपने 50-day moving average की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है, तो 725 की टारगेट के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट करने की सलाह देंगे, स्टॉप लॉस होगा करीब 760 का, 725 और 720 के लोअर साइड के टारगेट होंगे जेएसडब्ल्यू स्टील में शॉर्ट करने। जेएसडब्ल्यू स्टील में शॉर्ट और लॉन्ग साइड पे आप जाना चाहते हैं तो एचडीएफसी लाइफ एक विकल्प है जिसमें तेजी 630 तक लेकर जा सकती है, जीएनएफसी दूसरा विकल्प है जिसमें आप तेजी देख सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट साइड पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो जेएसडब्ल्यू यानी कि प्रॉफिट टेकिंग आप मेटल में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इंश्योरेंस की तेजी जो है अभी भी प्रिवेल कर सकते हैं, ऐसा राजेश जी मान रहे हैं। राजेश जी, आपने क्योंकि इंडेक्स के टॉप गेनर्स की ही शुरुआत की है जीएनएफसी के साथ, तो पहला नाम हेवेल्स, करीब करीब 1.25% के आसपास की तेजी यहां पर है, और दूसरा सीमेंट, पूरा सीमेंट आज तेजी में, श्री सीमेंट में मूव है, अल्ट्राटेक में भी खरीदारी है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव नहीं है लेकिन बाइंग जरूर देखी जा रही है, यहां क्या करें? बिल्कुल, तो हेवेल्स में जरूर पुलबैक बना है और हमें लगता है एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में कहीं ना कहीं एक बेस बनते हुए दिखा है, 1100 के आसपास स्टॉक ने
पिछले 7-8 दिन से होल्ड किया हेवेंस में, और आज का प्राइस एक्शन काफी इंकरेजिंग है, 22 मूविंग एवरेज के ऊपर अब ये स्टॉक ट्रेड करते हुए निकला है। तो हमें लगता है कि हेवेंस में अब यहाँ पे अगर 1120-1125 के लेवल होल्ड आउट होते हैं तो ये अपसाइड में यहाँ पे करीब 1170 तक की अपसाइड यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे जिनका लॉन्ग साइड का ट्रेड है बने रहे, 1125 के आसपास का स्टॉप लॉस ट्रेड चल रहे। सीमेंट स्पेस को भी जरूर आज बाइंग बना, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में देखें तो आज एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रहा है, तो प्राइस एक्शन थोड़ा सा म्यूटेड है, बट कहीं ना कहीं एक साइन जरूर बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे कि सीमेंट स्पेस जैसी मार्केट एक सेटल डाउन होगा कहीं सप्लाई प्रेशर को एब्जॉर्ब करेगा, तो सीमेंट स्पेस एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग लग रहा है। और हमें लगता है कि यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट पे फोकस रखना चाहिए। स्टॉक में काफी समय से स्टॉक 7000 से लेकर 7100 की रेंज में ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि ये जैसे 7100 के ऊपर निकलेगा अल्ट्राटेक सीमेंट का प्राइस एक्शन, तो यहाँ से एक अच्छा मूव अल्ट्राटेक में आते हुए दिख सकता है। तो नजर में जरूर है, हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर रहे हैं प्राइस एक्शन का। 7100 के ऊपर हम अल्ट्राटेक सीमेंट बाय करेंगे, अपसाइड के टारगेट फिर 7250-7300 तक आते हुए दिख सकते हैं। एक्युमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिली सीमेंट स्पेस, तो 7300 के टारगेट्स के लिए देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी, 130 मिलियन टन की कैपेसिटी, इसके ऊपर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। राजेश जी, पूरे ही मेटल में आपने मेटल में जेएसडब्ल्यू की बात की, लेकिन पूरा मेटल देखिए, हिंदुस्तान कॉपर 2% नीचे अनवाइंडिंग, एनएमडीसी 3.5% नीचे अनवाइंडिंग, टाटा स्टील 2% नीचे अनवाइंडिंग, और इनफैक्ट कमोडिटी प्ले में ओएनजीसी 3% नीचे अनवाइंडिंग। पूरे कमोडिटी प्ले जो है या पूरे ही मेटल स्पेस जो है यहाँ पे प्रेशर है, कोई और नाम जहां पर आपको लग रहा है कि प्रेशर बनेगा अभी? और तो डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है, और हमें लगता है कि जिस तरीके से कमोडिटी स्पेस में आज प्रॉफिट टेकिंग बनी है, ये मोस्ट ऑफ द स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज से अच्छा एक ब्रेकआउट बना के ट्रेड कर रहे थे, लेकिन हमें लगता है कि वापस से रिटेस्ट होते हुए दिखेंगे, वापस अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास वापस से ये करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर पर भी फोकस रखना चाहिए। काफी बड़ी रैली हुई स्टॉक में, लेकिन अब कहीं ना कहीं रैली एग्जॉस्ट होते हुए दिख रही है, और हमें लगता है कि ये जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप बने पिछले 2-3 सेशन से यहाँ पे भी हायर साइड पे सप्लाई है, तो एक करेक्टिव मूव के लिए स्टॉक में शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा करीब 598 के आसपास। करेक्शन में ये स्टॉक वापस हमें लगता है 570-565 के आसपास आते हुए दिख सकता है, वहां अपनी पोजिशन जरूर अनवाइंड करें, क्योंकि ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, लेकिन पूरा मेटल पैक में एक डाउन टिक देखने को मिला है, प्रॉफिट टेक भी देखने को मिला, तो थोड़ा प्रेशर यहाँ पे भी आते हुए दिख सकता है। प्रेशर यहाँ पे वेल कर सकता है। दूसरे बड़ी MCX लेकर आई है, ये लगातार दूसरा दिन आपकी हेवी प्रेशर है स्टॉक के अंदर, और मेजर मतलब OI काफी ज्यादा यहाँ पर रिडक्शन है, इसकी वजह से तेज बिकवाली है, रफली आधा परसेंट वैसे तो स्टॉक आज नीचे आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन 2 सत्रों में अगर सिचुएशन देखेंगे डॉक्टर साहब, उसके अगर 5 दिन का चार्ट लेके आइए, क्योंकि सिचुएशन वहां से ज्यादा क्लियर होगी। ब्रोकरेज हाउसेस का एक डाउनग्रेड, और डाउनग्रेड के बाद से स्टॉक में लगातार तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही है, और M6 अभी भी दिन के निचले स्तरों पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, 1% नीचे पिछले 3 सत्रों में ये स्टॉक करीब 1600-1650 रुपए से टूट के करीब 1400-1450 रुपए की रेंज में आ चुका है। तो राजेश जी, ये जो बिकवाली आई है M6 में, बिकवाली डन है क्या? रीसेंट जो लोस थे उसका बेस लेकर लॉन्ग जा सकते हैं, फिर अभी अवॉइड करें? देखिए ओवरऑल नेगेटिव ही है स्टॉक नियर टर्म सेटअप के हिसाब से, हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे प्रेशर रह सकता है, ऑलमोस्ट अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरिया 1450 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है 1450 टूटेगा तो फर्दर यहाँ पे सेलिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है, जो कि 1420 की तरफ भी स्टॉक को नीचे की तरफ लेके जा सकती है, थोड़ा अवॉइड करें अभी क्योंकि मार्केट में जिस तरीके की प्रॉफिट टेकिंग है, हमें लगता है कि वीक कैटेगरी का स्टॉक है अभी फिलहाल, तो ये स्टॉक में 1450 टूटेंगे तो और यहाँ पे 20-30 रुपए की गिरावट बढ़ सकती है, तो अभी अवॉइड करना चाहिए। इसमें तेजी की पोजीशन जब तक 1500 के लेवल क्रॉस हुआ जब तक अभी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए तेजी की पोजीशन से। तो अभी तेजी की पोजीशन को दूर रहे, लेकिन हाँ बिकवाली काफी ज्यादा यहाँ पर देखने को मिले, तो इसलिए भी जरूरी था पूछना कि क्या यहाँ पे पुल बैक की उम्मीद लगाएं कि नहीं लगाएं। एक ब्रेक का वक्त है, बाजार में बिकवाली तेज है, उस तेज बिकवाली के साथ दिन के निचले स्तरों के आसपास ही इंडेक्स अभी कामकाज करता दिखाई पड़ रहा है, 18,049 ये मौजूदा स्तर है, 18,037 के आसपास के लोज निफ्टी ने कुछ ही देर पहले बनाए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेज अब करीब 1.25% नीचे, 1.5% नीचे कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और एक सस्ता ऑप्शन राजेश जी से आइडेंटिफाई करवाते हैं। अब देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और 18,050-18,051 के जोन्स में डे लो के आसपास ही इंडेक्स अभी ट्रेड करता हुआ,
और मार्केट्स में प्रेशर अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप भी दबाव के साथ अभी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राजेश सर, इस तरह की सिचुएशन में सस्ता ऑप्शन कौन सा आइडेंटिफाई किया आपने? तो सुमित जी, जो स्टॉक हमें यहाँ पे ठीक लग रहा है, हमें यहाँ पे तीनों पे फोकस, अगर इंडिगो को देखें यहाँ पे तो पिछले जितने भी अटेम्प्ट हुए स्टॉक में करीब 2070-2100 के आसपास से मल्टीपल टाइम हमने देखा अटेम्प्ट यहाँ पे फिजल आउट होते हुए, तो यहाँ पे सप्लाई बनते हुए दिखा। आज की जो वीकनेस इंडिगो में बनते हुए दिखी वो अब 20-day मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे हम 2000 की स्ट्राइक पर पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे इंडिगो में। हमें लगता है यहाँ पे आज जिस तरीके से लॉन्ग अनवाइंडिंग का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है, तो यहाँ पे स्टॉक फर्दर करेक्टिव एक्शन दिखा सकता है। नीचे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में वापस 1960-1950 तक के डाउन पिक यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो 2000 के स्ट्राइक का कॉल पुट ऑप्शन बाय करना है, 55-56 के आसपास ट्रेड करा। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए 75-80 रुपीज तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब यहाँ पे 40 रुपए के आसपास। तो इंडिगो का 2000 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह। इंडिगो न्यूज फ्लोज भी, कल वो वैट की खबर आई थी जो वो भी निगेटिव थी, 3 गुना बढ़ी थी, तो उसका एक इम्पैक्ट तो रहेगा ही, लेकिन अदरवाइज आप टेक्निकली भी स्टॉक के ऊपर राजेश सर मान रहे हैं कि 2000 की पुट ना पोजीशन ले सकते हैं। 55 रुपए के जोन्स में कामकाज कर रही है, जो टारगेट्स रहेंगे वो 75-85 के जोन्स रहेंगे और स्टॉप लॉस कहीं आप 50 के आसपास 45 के आसपास मेंटेन कर सकते हैं, और 2100 के आसपास से हमेशा घूमता है और डाउन साइड में और खुलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो 2000 की पुट के अंदर आप पोजीशन ले सकते हैं इंडिगो में। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति में हमसे साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए। इंडेक्स में 18,000 के जोन्स के आसपास से पुल बैक की बातचीत राजेश सर ने की है, तो 18,037 का लो है और वहां से थोड़ा सा ऊपर करीब 20-25 अंक ऊपर निफ्टी अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के CIO स्टीव ब्राइस का कहना है कि 2023 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर न्यूट्रल रहेगी, पर दुनिया की तुलना में भारत का प्रदर्शन कहीं ज्यादा बेहतर रहेगा। सुनवाते हैं आपको। Within the context of our asset allocation models, we are overweight Asia ex Japan. Within that, we switched from being overweight India at the end of last year to being neutral and switched to being overweight China. Obviously, that's working out pretty well for us at the moment given the performance of China markets. We're actually pretty balanced between bonds and equities. So within equities, we have a tilt towards large cap companies, which where we see earnings growth resilience and valuations looking more attractive, margin of safety looking good as well. And in, from a sector perspective, referring to domestic economy, we see domestic economic resilience in India relative to what's going on elsewhere. So referring sectors such as financials, industrials, consumer staples in India, as we believe those will be more resilient as we head through 2023. तो सिचुएशन थोड़ी खराब जरूर रहेगी, लेकिन हाँ, इंडिया अमंग ऑल थोड़ा सा बेटर साइड पे शायद पोजीशन करता हुआ दिखाई पड़े, थोड़ा बेटर साइड पर होता हुआ दिखाई पड़े, ये एटलीस्ट मानना है। इसी के साथ अब फ्यूचर एक्सप्रेस को समेटेंगे। मार्केट्स में लोअर लेवल्स के आसपास ही कामकाज है और बॉर्डर बेस इंडेक्स के अंदर भी बिकवाली है, थोड़ा सा रिस्पाइट जरूर आया लेकिन कितना सस्टेनेबल है तो अभी आगे देखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद होंगे सेंसेक्स लेके। नमस्कार।